नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ असित कुमार पटनायक। अगेन आई एम कमिंग बैक टू माई चैनल असित गवर्नमेंटल गुरु। टुडे आई विल डिस्कस वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इनकम टैक्स। इट इज रिलेटेड टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड असेसमेंट ईयर 2022-23। यू कैन गेट द इंफॉर्मेशंस अबाउट the different under section of income tax for the current year, and it would be very much valuable for you for different exams, especially principal exams. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my subsequent videos. Now I am going to start. Question number 1, amount of commuted pension received by a government employee is dash. हम जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद विद इन वन ईयर के अंदर एक एम्प्लॉय वो उसका पेंशन का कुछ पार्ट को कम्यूट कर सकता है। इट इज़ मैक्सिमम 40% ऑफ द पेंशन कैन बी कम्यूटेड। सो जो कम्यूटेड पेंशन, क्या वो फुली एग्जेम्प्ट होगा? और यदि वो एग्जेम्प्ट होगा तो कौन सा सेक्शन में होगा? तो इट इज़ फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्लियर? कम्यूटेड पेंशन, इट इज़ फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आंसर इज बिट सी। इट इज़ अंडर सेक्शन 10-10A। क्लियर? अंडर सेक्शन 10-10A में जो भी कम्यूटेड पेंशन में जो अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। और अंडर सेक्शन 10-10A में उसको फुली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बीट सी आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज फुली एग्जेम्प्टेड? अभी मैं बताया, इट इज अंडर सेक्शन 10-10A। आंसर इज बीट बी, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, इट इज रिलेटेड टू द रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड डेथ ग्रेचुइटी। इट इज डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चाहे वो डेथ ग्रेचुइटी हो कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी हो, जो भी मिलेगा वो फर्स्ट ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। और वो अंडर सेक्शन 10-10, आंसर इज बीट ए। अंडर सेक्शन 10-10 में जो भी ग्रेचुइटी अमाउंट मिलेगा उसको, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो आंसर इज बीट ए, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 4, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ डैश। इट इज 100% ऑफ द ग्रेचुइटी अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आंसर इज बिट बी, 100% ऑफ द ग्रेचुइटी इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10-10। ओके, जो भी ग्रेचुइटी अमाउंट मिलेगा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और अंडर सेक्शन 10-10 में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, और 100% अमाउंट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इन ओल्ड टैक्स रिजाइम, क्योंकि अभी दो टैक्स रिजाइम है, एक 2020 बजट में एक न्यू टैक्स रिजाइम जो अंडर सेक्शन 115BSC में उसको इंसर्ट किया गया है, उसको लोअर टैक्स रिजाइम कहा जाता है। चाहे आपको ऑप्शन है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप टैक्स पे कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजाइम में पे कर सकते हैं। इन ओल्ड टैक्स रिजाइम अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स अमाउंट सैंक्शन बाय द ऑफिस और एक्चुअल मनी स्पेंट ऑन जर्नी थ्रू शॉर्टेस्ट रूट इन केस ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन इज फुली एग्जेम्प्टेड। इट इज अंडर सेक्शन 10-5। लीव ट्रैवल कंसेशन में ऑफिस जितना अमाउंट सैंक्शन करेगा और उसमें जो हमारा टू एंड फ्रो जो जर्नी होता है तो बेसिकली शॉर्टेस्ट रूट में होता है, तो जितना अमाउंट ऑफिस सैंक्शन करेगा
एलटीसी के लिए जितना अमाउंट सैंक्शन होगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(5). पहले जितना अमाउंट सैंक्शन होगा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और पूरा अमाउंट अंडर सेक्शन 10(5) में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो डायरेक्टली एग्जेम्प्ट होगा, फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में। न्यू टैक्स रिजाइम में ऑप्शन नहीं है। एलटीसी में जो भी अमाउंट सैंक्शन होगा, जो भी हम जर्नी में स्पेंड करेंगे, तो उसके ऊपर कोई एग्जेम्प्शन नहीं है। ओनली ओल्ड टैक्स रिजाइम में वो ऑप्शन है। तो इट इज आंसर इज बीट सी अंडर सेक्शन 10(5). क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। यहाँ पर दो चीज थोड़ा ध्यान दीजिए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम मैक्सिमम जो हमारा सर्विस बुक में जो EL है और HPL है, तो मैक्सिमम 300 EL एंड HPL इसको हम एनकैश कर सकते हैं। तो जो अमाउंट एनकैश होगा वो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और अंडर सेक्शन 10 AA, आंसर इज बीट बी, अंडर सेक्शन 10 AA में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और अंडर सेक्शन 10 AA में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। रेजिग्नेशन टाइम में मैक्सिमम 150 EL, उसमें HPL एनकैश नहीं होगा, जो हाफ पे लीव है वो एनकैश नहीं होगा। ओनली रेजिग्नेशन टाइम में मैक्सिमम 150 EL को एनकैश किया जाएगा यदि आपका सर्विस खाते में है। तो वो भी वैसा ही, जो भी अमाउंट एनकैश होगा वो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और अंडर सेक्शन 10 AA में वो उसके ऊपर क्या होगा ना, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज बीट बी। क्वेश्चन नंबर 7, लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस एट द टाइम ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन इज, हमको मालूम है कि लीव ट्रैवल कंसेशन टाइम में हम मैक्सिमम 10 EL को एनकैश कर सकते हैं। जो फोर जो एक ब्लॉक ईयर होता है जो फोर ईयर का, उसमें 2 सब ब्लॉक पीरियड होता है, एक होम टाउन हम ले सकते हैं और एक ऑल इंडिया ले सकते हैं। तो जब हम LTC लेंगे तब हम मैक्सिमम 10 EL को एनकैश कर सकते हैं। तो उस केस में जो भी अमाउंट एनकैश होगा, क्या वो उसके ऊपर कुछ एग्जेम्पशन है ना, वो फुली टैक्सेबल होगा, उसको देखेंगे। तो जो भी लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस एट द टाइम ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन इज फुली टैक्सेबल। ओनली रिटायरमेंट टाइम में और रेजिग्नेशन टाइम में जो लीव एनकैशमेंट होगा वो फुली एग्जेम्प्टेड होगा अंडर सेक्शन 10 AA में। मगर यहाँ पर जो सर्विस टाइम में, जब LTC टाइम में हम एनकैश करते हैं, जो मैं बताया जो मैक्सिमम 10 EL को हम एनकैश कर सकते हैं, हमारा पूरा टोटल सर्विस पीरियड में हम 60 EL को एनकैश कर सकते हैं, तो वो फुली टैक्सेबल होगा। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 8, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी और लीगल हेयर ड्यू टू डेथ ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। आंसर इज बिट बी। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई का डेथ हो जाता है, लीव एनकैशमेंट को रिसीव करता है कोई नॉमिनी और लीगल हेयर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा भाई अंडर सेक्शन 10 AA में। तो आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी हेड्स इनकम इज क्लासिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इन हाउ मेनी हेड्स, इट इज 5 heads। तो यहां पर उसको क्लारीफाई किया, आंसर इज बिट सी। तो यहां पर आप देख लीजिए, इनकम इज क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, वन इज सैलरीज, सेकेंड वन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ वन कैपिटल गेन्स, फिफ्थ वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो फर्स्ट सेकेंड एंड फाइव है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो अदर टू है वो बेसिकली बिजनेस पर्सनल के लिए है, राइट। तो ये 5 heads को आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में।
ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पेंशन इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ पेंशनर अंडर द हेड। जो पेंशनर को एज यूजल जो पेंशन मिलता है वो किस हेड में वो इंक्लूड होगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम सैलरी। आंसर इज बिट ए, पेंशन इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ पेंशनर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। आंसर इज बिट ए, ओके वो सैलरी हेड में जाएगा। नेक्स्ट वन फैमिली पेंशन के ऊपर है। फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड। फैमिली पेंशन जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जैसे हमको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। कभी कभी क्या है जो सेविंग डिपॉजिट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐड करेंगे तब उसको 80 TTA में हमको मैक्सिमम 10,000 डिडक्शन मिलेगा। यदि हम इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स, जितना हमारा सेविंग डिपॉजिट्स है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिल रहा है इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेंगे तब हमको अंडर सेक्शन जो डिडक्शन सेक्शन है अंडर सेक्शन 80, बेसिकली अंडर सेक्शन 80 इट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, इसमें 80 अंडर सेक्शन 80 TTA में हमको मैक्सिमम 10,000 रुपीज इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट के ऊपर मैक्सिमम 10,000 रुपीज को डिडक्ट किया जाएगा यदि हम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐड करेंगे। तो जो फैमिली पेंशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगा मगर एज यूजुअल जो पेंशन मिलता है वो बेसिकली सैलरी में जाता है, सैलरी में डायरेक्टली इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है। तो हियर आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर एन अमाउंट इक्वल टू। ये जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, अभी जो न्यू टैक्स रिजाइम है जो लोअर टैक्स रिजाइम है इसमें कोई फैमिली पेंशन के ऊपर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है तो इसलिए मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम मेंशन किया। न्यू टैक्स रिजाइम में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है फैमिली पेंशन के ऊपर। तो अभी जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है फैमिली पेंशन के ऊपर कैसा है, बीट ए 33 होल ऑफ 1/3% ऑफ फैमिली पेंशन बा ऑफ सच इनकम, बीट बी ₹15,000, बीट सी ए और बी व्हिच एवर इज मोर, बीट डी ए और बी व्हिच एवर इज लेस। इट इज बीट डी ए और बी व्हिच एवर इज लेस। जितना फैमिली पेंशन मिल रहा है उसका 33 होल ऑफ 1/3% ऑफ सच इनकम ले जाइए और 15,000, दोनों में से जो कम होगा वही स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। ये अंडर सेक्शन 57IA में है, अंडर सेक्शन 57IA में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है फैमिली पेंशन के ऊपर। और आपको याद रखना है तो फैमिली पेंशन जो हमारा इनकम है फैमिली पेंशन इनकम उसके ऊपर 33 होल ऑफ 1/3% आप निकाल दीजिए और 15,000 जो भी कम होगा वही स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। क्लियर, तो आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। वैल्यू ऑफ परक्विसाइड्स अंडर सेक्शन 17(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूड्स। बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है परक्विसाइड्स में अंडर सेक्शन 17(2) में क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसेंस फी, जो कॉन्सेशनल फी आता है जो अकोमोडेशन का, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर को हम रीइंबर्स किया है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई, इसके लिए हम ये सब हमको एम्प्लॉयर से मिलता है ओके कॉन्सेशन में। तो ये तीनों चीज ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ये सब वैल्यू ऑफ परक्विसाइड्स में जाएगा। जो हम कॉन्सेशनल लाइसेंस फी दे रहे हैं अकोमोडेशन के लिए, हमारा मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हो रहा है और हमको फ्री इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई मिल रहा है और हम एक कॉन्सेशनल फी देते हैं, तो ये सब परक्विसाइड्स में आता है अंडर सेक्शन 17(2). आपको मालूम होगा अंडर सेक्शन 17 में 3 सब हेड्स है, 17(1) वो बेसिकली सैलरी हेड है, 17(2) ये परक्विसाइड्स है, 17(3) प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी। क्लियर, कभी कभी हमको एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ मॉनेटरी अवार्ड हमको मिलता है वो थर्ड में जाता है प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी। कभी कभी हम सपोज हमारा जॉब टर्मिनेट हो जाता है तब हमको एम्प्लॉयर
कुछ कॉम्पेंसेट करता है वो उसमें जाएगा प्रॉफिट्स इन लिव ऑफ सैलरी में। तो 17(1) सैलरी हेड है, 17(2) परक्विसाइड्स है, 17(3) प्रॉफिट्स इन लिव ऑफ सैलरी है, तो तीनों मिला के ग्रॉस सैलरी होता है। तो यहाँ पर जो 17(2) है बहुत इंपॉर्टेंट है, परक्विसाइड्स, तो लाइसेंस फी, कॉन्सेशनल लाइसेंस फी, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, उसके लिए हमको कॉन्सेशनल फी देना पड़ता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है, आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम फ्रॉम सैलरी इज कमिंग अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं अभी बताया जो सैलरी है वो 17(1), अंडर सेक्शन 17(1) सैलरी, ओके, अंडर सेक्शन 17(2) परक्विसाइड्स, अंडर सेक्शन 17(3) प्रॉफिट्स इन लिव ऑफ सैलरी। कभी कभी हमको कॉम्पेंसेशन मिलता है, हमारा जॉब टर्मिनेट हो जाता है कि हम रेजिग्नेशन दे देते हैं, उस समय हमको एम्प्लॉयर साइड से कुछ कॉम्पेंसेशन मिलता है, वो जाएगा थर्ड पार्ट में 17(3) में, प्रॉफिट्स इन लिव ऑफ सैलरी में। तो ये है आंसर बीट ए, इनकम फ्रॉम सैलरी इट इज कमिंग अंडर सेक्शन 17(1). क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इन ओल्ड टैक्स रिजाइम। अभी जो न्यू टैक्स रिजाइम है, जो लोअर टैक्स रिजाइम है, जो बजट 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है अंडर सेक्शन 16 IA, अंडर सेक्शन 16 IA में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 अभी ओल्ड टैक्स रिजाइम में। आप न्यू टैक्स रिजाइम को एक्सेप्ट करोगे और उसमें आप टैक्स पे करोगे तो उसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, अंडर सेक्शन 16 IA में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। मगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में पेमेंट कर रहे हो तो आपको 50,000 रुपीज डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो आंसर इज बीट सी, ओल्ड टैक्स रिजाइम में। ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ करेंट ईयर के लिए कर रहा हूँ, करेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22, और ये करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर है 2022-23, ठीक है। अंडर सेक्शन 17(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, अभी मैं बताया था 17(3) में प्रॉफिट्स इन लिव ऑफ सैलरी, आंसर इज बिट सी। अंडर सेक्शन 73 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन प्रॉफिट्स इन लिव ऑफ सैलरी, आंसर इज बिट सी। 17, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एक्चुअली अंडर सेक्शन 16 में आपको तीन चीज याद रखना है, फर्स्ट एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज ओल्ड टैक्स रिजाइम में, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में अंडर सेक्शन 16 में कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है। तो ओनली ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप टैक्स पे कर रहे हो तो उसमें अंडर सेक्शन 16 में, अंडर सेक्शन 16 IA, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको 50,000 रुपीज मिलेगा। सेकेंड वन एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज अंडर सेक्शन 16(ii), अंडर सेक्शन 16(ii) में एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो यहां पर दिया है एक्चुअल अलाउंस, जितना आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है एक्चुअल अलाउंस एट द रेट ऑफ 1/5 ऑफ द सैलरी लिमिटेड टू रुपीज 5,000, जो तीनों को लेकर जो कम है, तो आंसर इज बी डी, ये तीनों को ले जाओ, जितना एक्चुअल अलाउंस मिल रहा है 1/5 ऑफ द सैलरी, यहां पर सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस डी आपको लेना है, उसका 1/5 निकालना है और लिमिटेड टू रुपीज 5,000, इन तीनों में से जो कम होगा, नहीं तो इट इज मैक्सिमम 5,000 होगा, और तीनों में से जो कम होगा उसी को हम लेंगे। तो ये अंडर सेक्शन 16(ii) में है, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो प्रोफेशनल टैक्स हम बोलते हैं, वो अंडर सेक्शन 16(iii) में आता है। अंडर सेक्शन 16 में थ्री सेक्शंस है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस और थर्ड वन है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16(iA), एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(ii), एम्प्लॉयमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 16(iii). क्लियर। एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज एग्जेम्प्टेड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन ओल्ड टैक्स रिजाइम, इट इज अंडर सेक्शन 16(iii), बीट सी। मगर न्यू टैक्स रिजाइम में, जो अभी लोअर टैक्स रिजाइम में आप यदि टैक्स पे करोगे तो उसमें अंडर सेक्शन 16 में कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19, इन ओल्ड टैक्स रिजाइम इन व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन इज देयर। अभी मैं बताया अंडर सेक्शन 16(iA), अंडर सेक्शन 16(iA), आंसर इज बिट ए, ओके, ओल्ड टैक्स रिजाइम में। न्यू टैक्स रिजाइम में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा हमको नहीं मिलेगा, आंसर इज बीट ए, क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इम्पोज्ड ऑन टैक्स ऑन टोटल इनकम
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%, आंसर इज बीट सी, राइट, आंसर इज बीट सी. क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिसीव एरियर्स देन अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स दे गेट रिलीफ. यदि आपको प्रीवियस ईयर्स का कोई आपको एरियर मिलता है तो आपको टैक्स वहां पर रिलीफ मिलता है. तो वो जो रिलीफ मिलता है वो कौन सा सेक्शन में आता है? वो अंडर सेक्शन 89. आपको 10E फॉर्म फिलअप करना पड़ता है यदि आपको एरियर मिलता है इंक्लूडिंग करेंट ईयर, कुछ प्रीवियस ईयर्स का और इंक्लूडिंग करेंट ईयर में आपको यदि एरियर मिलता है तो अंडर सेक्शन 89 में आपको रिलीफ मिलेगा, मगर आपको एक 10E फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट. तो आंसर इज बिट बी. क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज गेटिंग एरियर्स देन व्हिच फॉर्म दे फिल अप टू गेट रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स. मैं अभी बताया, यदि आपको एरियर मिलता है तब आपको 10E फॉर्म डाउनलोड कर लेना है. जो फॉर्म्स है इनकम टैक्स का साइट में, जो डिफरेंट फॉर्म्स है, आपको 10E फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको फिलअप करने के बाद फिर ऑनलाइन में उसको जो फिलअप होगा वो ऑनलाइन में होगा. बेसिकली डाउनलोड मीन्स अभी तो ऑफलाइन में नहीं है एक्चुअली. आप 10E को जाइए, 10E वहाँ पर ऑनलाइन में फिलअप कीजिए इनकम टैक्स साइट में, तो आपको जो रिलीफ मिलेगा वो अंडर सेक्शन 89 में मिलेगा, राइट. तो यहाँ पर जो फॉर्म है फॉर्म 10E है, आंसर इज बिट सी. क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन टैक्सेबल इनकम इज डैश देन द टैक्स पेयर गेटिंग रिबेट एंड पे जीरो टैक्स. अभी हमारा टैक्सेबल इनकम कितना होगा जिसके ऊपर हमको रिबेट मिलेगा? आपको याद रखना होगा, यदि आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख और लेस होगा, टैक्सेबल इनकम में सभी डिडक्शंस के बाद, जिसको हम नेट इनकम बोलते हैं, सभी डिडक्शंस के बाद जो इनकम आता है उसको हम टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम बोलते हैं, उसके ऊपर ही टैक्स लगता है. यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख और लेस होगा तब आपको रिबेट मिलेगा. तो आंसर इज बीट ए, 5 लाख और लेस. यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख और लेस है तो उसके ऊपर आपको रिबेट मिलेगा, ₹12,500, राइट. पे जीरो टैक्स, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज बीट ए. क्वेश्चन नंबर 24, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिबेट इज देयर व्हेन टैक्सेबल इनकम इज 5 लाख और लेस. अभी मैं बताया, अंडर सेक्शन 87A. जो अंडर सेक्शन 87A में हमको रिबेट मिलेगा यदि हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख और उससे कम होगा, तब हमको रिबेट मिलेगा, 12,500 रिबेट मिलेगा. क्योंकि आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो टैक्सेबल इनकम होता है फर्स्ट 2.5 लाख एग्जेम्प्टेड है, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% लगता है. तो जो 2.5 लाख के ऊपर 5% लगता है वो 12,500 है. यदि आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख और उससे कम है तो आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A में ₹12,500. इट मीन्स आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिबेट अमाउंट अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स व्हेन टैक्सेबल इनकम इज 5 लाख और लेस. तो रिबेट अमाउंट इट इज ₹12,500. आंसर इज बिट डी, ₹12,500. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 26 को चलेंगे. अंडर सेक्शन 1014 ऑफ इनकम टैक्स हाउ मच चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस इज एग्जेम्प्टेड पर चाइल्ड पर एनम. जो CEA हमको मिलता है वो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है, तो उसमें जो एग्जेम्पशन होता है वो अंडर सेक्शन 1014 में होता है. और मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स के लिए हमको एग्जेम्पशन मिलेगा और पर मंथ हमको 100 रुपीज़ एग्जेम्पशन मिलेगा. तो ईयरली हमको एक चाइल्ड के ऊपर 1200 रुपीज़ मिलेगा. अब दो चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए CEA मिलेगा, तो आप 2 चाइल्ड के लिए ले रहे हो तो आपको मंथली 200 रुपीज़ CEA के ऊपर आपको 200 रुपीज़ एग्जेम्पशन होगा मंथली, और ईयरली आपको 2400 एग्जेम्पशन होगा. वो अंडर सेक्शन 1014 है. अंडर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर जो दिया है आंसर इज बिट सी, ₹1200, क्योंकि यहाँ पर एक चाइल्ड के पर चाइल्ड पर आनम. तो पर चाइल्ड पर आनम अभी नॉर्मली आप ले रहे हो तो 27,000 आप ले रहे हो, 2250 पर मंथ ओके मैक्सिमम है. और हॉस्टल आपका सपोज बच्चा आई मीन्स कोई हॉस्टल्स में रहता है
प्राइवेट हॉस्टल्स में, वहाँ पर भी आप हॉस्टल फीस पेड करते हो, तो वो मैक्सिमम 6,750 है, मैक्सिमम रुपीज़ 81,000, ओके, जो हॉस्टल सब्सिडी है। तो यहाँ पर जो चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस है, आपको याद रखना है पूरा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, और अंडर सेक्शन 1014 में एक चाइल्ड के लिए 1200 एग्जेम्पशन मिलेगा, और मैक्सिमम टू चाइल्ड्स के लिए हम ले सकते हैं, तो टू चाइल्ड के लिए 2400 के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है ये बीट सी में है, मगर ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अभी जो न्यू टैक्स रिजाइम में चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस के ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखना है चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस में, उसमें जो ट्यूशन फीस है वो अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C में ओनली ट्यूशन फीस को वहां पर डिडक्ट किया जाएगा। वहां पर अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1 में मैक्सिमम 1.5 लाख एग्जेम्पशन होता है, और अंडर सेक्शन 80C में ट्यूशन फीस, डेवलपमेंटल फीस की लाइब्रेरी फीस वहां पर नहीं लिया जाएगा, ओनली ट्यूशन फीस को अंडर सेक्शन 80C में उसको डिडक्ट किया जाएगा। और यहां पर जो अंडर सेक्शन 1014 में एग्जेम्पशन होगा पर चाइल्ड के लिए पर एनम 1200 रुपीज़, और टू चाइल्ड, मैक्सिमम टू चाइल्ड के लिए मिलेगा, तो 2400 रुपीज़ के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा, राइट। तो ये आंसर इज बिट सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 1014 ऑफ इनकम टैक्स अप टू डैश पर मंथ पर चाइल्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रेन इज एग्जेम्प्ट इन केस हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो आप हॉस्टल एक्सपेंडिचर सेपरेट मैं कॉन्करेंटली आप ले सकते हो। यदि आपका बच्चा प्राइवेट हॉस्टल्स में रहता है और आपका रेसिडेंस से वो बियॉन्ड ऑफ 50 किलोमीटर्स होता है, और वहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्टल में रहता है और आप पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको मैं अभी बताया मंथली जो वहाँ पर जो आपको सब्सिडी मिलेगा इट इज 6,000 मैक्सिमम 81,000 उसमें मिलेगा ईयरली सब्सिडी। जैसे चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस के ऊपर 27,000 मिलेगा, और वहाँ पर आपको 81,000 मिलेगा ईयरली सब्सिडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जेम्पशन होगा अंडर सेक्शन 1014 में, तो पर चाइल्ड के लिए 300 रुपीज़ एग्जेम्पशन होगा। तो आप दोनों ले सकते हो, वहाँ पर आप चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस जो है CEA ले सकते हो, और कॉन्करेंटली हॉस्टल सब्सिडी भी ले सकते हो। तो CEA में 100 रुपीज़ एग्जेम्पशन होगा मंथली, और ईयरली 1200 रुपीज़ होगा, और यहाँ पर जो हॉस्टल सब्सिडी के लिए पर चाइल्ड के लिए 300 रुपीज़ एग्जेम्पशन होगा अंडर सेक्शन 1014 में। टू चाइल्ड के लिए आप हॉस्टल सब्सिडी ले रहे हो तो ईयरली 7,200 होगा, एक चाइल्ड के लिए एग्जेम्पशन होता है 3,600, क्योंकि मंथली 300 रुपीज़ एग्जेम्पशन होगा, राइट। तो यहाँ पर दिया है पर मंथ दिया है, तो पर मंथ एग्जेम्पशन जो होगा ₹300 होगा, तो एक चाइल्ड के लिए, तो पर एनम 3,600 हो जाएगा। टू चाइल्ड के लिए आप हॉस्टल सब्सिडी ले रहे हो तो आपको 7,200 रुपीज़ एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1014 में, और मैक्सिमम टू चाइल्ड के लिए हम हॉस्टल सब्सिडी ले सकते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अंडर सेक्शन डैश ऑफ इनकम टैक्स ओल्ड टैक्स रिजाइम पार्ट ऑफ HRA इज एग्जेम्प्टेड। जो HRA एग्जेम्पशन है हाउस रेंट अलाउंस, वो न्यू टैक्स रिजाइम में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। जो HRA मिलेगा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, और पार्ट ऑफ HRA इज एग्जेम्प्टेड, पार्ट ऑफ HRA को एग्जेम्प्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 1013 ए, अंडर सेक्शन 1013 ए, आंसर इज बिट सी, ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अभी जो न्यू टैक्स रिजाइम में हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो इसलिए मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम मेंशन किया। तो यहाँ पर जो HRA के ऊपर जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो अंडर सेक्शन 1013 ए में मिलेगा, ओके, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर देख लीजिए एक कितना HRA में एक एग्जाम्पल दिया है, बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉई इज ₹60,400, डियरनेस अलाउंस इज 28%, एम्प्लॉई वर्किंग इन नॉन मेट्रो सिटी ही इज रिसीविंग 18% HRA, ही इज पेइंग ₹13,000 हाउस रेंट, हाउ मच टैक्स एग्जेम्पशन ही विल गेट ऑन HRA अंडर सेक्शन 1013 है। ये जो ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें अंडर सेक्शन 1013 ए में उसको HRA के ऊपर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन देख लीजिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक सैलरी यहाँ पर जो है आप बेसिक पे प्लस डीए लीजिए, तो ये जो ऑप्शन में उसका जो बेसिक पे है 60,400 है और डीए अभी 28% में करेंट के ऊपर लिया 28% ऑफ बेसिक पे, तो टोटल सैलरी हो गया बेसिक पे प्लस डीए इट इज़ ₹77,312। तो वो जैसे दो ऑप्शन है, यदि वो मेट्रो सिटी में है उसका 50% ऑफ सैलरी को फर्स्ट बीट आई में कैलकुलेट करो, यदि नॉन मेट्रो सिटी है 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करो फर्स्ट ऑप्शन। तो ये नॉन मेट्रो सिटी क्लियरली मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, देख लो, तो आप 40% ऑफ सैलरी लो, मगर याद रखना मेट्रो सिटी में आपको 50% लेना है। तो ये 40% ऑफ सैलरी इट इज़ ₹30,925, ये एक ऑप्शन हो गया। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कितना एक्चुअल एचआरए रिसीव कर रहा है, वो सैलरी का 18% रिसीव कर रहा है। ओके, सैलरी का 18% वहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड ₹13,916, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आपको निकलना है सैलरी का 10%, तो सैलरी 77,312 है उसका 10% हो गया ₹7,731। तो ये तीनों ऑप्शन को कैलकुलेट करना है, मेट्रो है आपको 50% ऑफ सैलरी लेना है ऑप्शन वन में, नॉन मेट्रो है 40% लेना है, सेकेंड ऑप्शन में एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड उसको एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड मंथली आप ये कर दो, थर्ड वन 10% ऑफ सैलरी। तो उसमें जो नेक्स्ट है आप निकाल दो एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% सैलरी, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओके ओवर 10% सैलरी, वहां पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है वो रेंट पेड कर रहा है 13,000, तो एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% सैलरी, तो रेंट पेड पर मंथ इट इज 13,000 माइनस जो 10% ऑफ सैलरी है वो 7,731 है, तो ₹5,269। तो इसमें आप आई डबल आई ट्रिपल आई तीनों में से जो कम है जो लिस्ट है उसको ले जाओ, तीनों में से लिस्ट है 5,269 जो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड मीन्स आपको यही लेना है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% सैलरी। तो ऑप्शन आई में 30,925, सेकेंड ऑप्शन में ₹13,916, थर्ड ऑप्शन में हो गया ₹5,216, थर्ड ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% सैलरी, क्वेश्चन में रेंट पेड वो दिया है। तो मंथ पर मंथली आपको ₹5,269 एग्जेम्पशन मिलेगा, तो ईयरली उसमें 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ₹63,228 आपको एचआरए के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि पूरा एचआरए फुली एग्जेम्प्टेड नहीं है, पार्ट ऑफ द एचआरए एग्जेम्प्टेड है और ये कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर एक आप आंसर को देख लीजिए, आंसर इज 63,228 हम निकाला, आंसर इज बिट ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज डिडक्टेड फॉर सेल्फ यूज प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका जो हाउस है आप उसको खुद यूज कर रहे हो ओके, उसको रेंट में नहीं दिया है, आपका हाउस को खुद यूज कर रहे हो सेल्फ यूज प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के लिए आप होम लोन लिया था और होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट डिडक्शंस होगा, तो आप देखिए अंडर सेक्शन 24B, अंडर सेक्शन 24B में जो होम लोन के ऊपर मैक्सिमम 2,00,000 एग्जेम्प्ट होगा, मगर आप जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप होम लोन लिया है ना उसको आप सेल्फ यूज कर रहे हो, उसको रेंट में नहीं दिया है आप, तो अंडर सेक्शन 24B में तो ये दिया है, आंसर इज बिट बी अंडर सेक्शन 24B ओके, सेल्फ यूज प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज डिडक्टेड इट इज अंडर सेक्शन 24B, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ यूज प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजाइम, अभी जो न्यू टैक्स रिजाइम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बाय जो होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, आप प्रॉपर्टी को सेल्फ यूज कर रहे हो और प्रॉपर्टी के लिए आप होम लोन लिया है, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो उसके ऊपर कोई डिडक्शंस नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम में, जो भी है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, इसलिए मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम मेंशन किया। तो उसमें आप सेल्फ यूज्ड प्रॉपर्टी के लिए जो होम लोन लिया है तो मैक्सिमम 2,00,000 इंटरेस्ट को डिडक्शन किया जाएगा अंडर सेक्शन 24B में, राइट, डायरेक्टली मैक्सिमम 2,00,000 इंटरेस्ट को डिडक्शन किया जाएगा अंडर सेक्शन 24B में, आंसर इज बिट बी।
क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ यूज प्रॉपर्टी इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। जो न्यू टैक्स रिजाइम में मैं अभी बताया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर कोई डिडक्शंस नहीं है, तो आंसर इज बीट डी, नील है। जो सेल्फ यूज प्रॉपर्टी में बताया, जो प्रॉपर्टी को मैं खुद यूज कर रहा हूँ और उसके लिए मैं होम लोन लिया था और उसमें मैं इंटरेस्ट पेड कर रहा हूँ, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर कोई एग्जेम्पशंस नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम में। ओके, आप न्यू टैक्स रिजाइम में जो 115 बीएससी में, जो अंडर सेक्शन 115 बीएससी है, तो वो न्यू टैक्स रिजाइम में आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो, तो उस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो आंसर इज बी डी, नील, न्यू टैक्स रिजाइम। ओके, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 को चलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर 80 CEE, जो अंडर सेक्शन 80 CCE, अंडर सेक्शन 80 CCE इसमें 3 सब सेक्शंस है, 80C, 80CCC, 80CCD1 ऑफ इनकम टैक्स अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख एग्जेम्पशन होता है। 80C में बेसिकली आपका होम लोन प्रिंसिपल आता है, आपका LIC प्रीमियम आता है, आपका PLI प्रीमियम आता है, आपका जो ट्यूशन फीस, जो चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस में आपको जो ट्यूशन फीस के लिए, जो ट्यूशन फीस आप पेमेंट कर रहे हो, जो ट्यूशन फीस 80C में आएगा, LIC प्रीमियम आएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो इन्वेस्ट किया है वो आएगा, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड के ऊपर इन्वेस्ट किया है वो आएगा, होम लोन प्रिंसिपल आएगा, ये सब अंडर सेक्शन 80C में होता है। 80CCC पेंशन प्लान, आप कोई पेंशन प्लान लिया है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ LIC का कि SBI लाइफ का कोई पेंशन प्लान आप लिया है अंडर सेक्शन 80CCC में, तो पेंशन प्लान है। और 80CCD1 इट इज़ द NPS केस में, इट इज़ द एम्प्लॉई शेयर 80CCD1। तो तीनों मिलाकर जो सेक्शन है मेन सेक्शन, इट इज 80CCE, इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख एग्जेम्पशन होगा। आंसर इज बिट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, और एक मजा बात है, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में ये सेक्शन में कोई डिडक्शंस नहीं है। क्लियर, न्यू टैक्स रिजाइम में इसमें कोई डिडक्शंस नहीं है, ओनली ओल्ड टैक्स रिजाइम में। इसलिए मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम जहां पर मेंशन किया, ओल्ड टैक्स रिजाइम, तो वहां पर आपको याद रखना है कि न्यू टैक्स रिजाइम में उसमें डिडक्शंस की एग्जेम्पशंस नहीं है। नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेड ड्यू टू मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स लेस देन 60 ईयर्स। सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स लेस देन 60, सीनियर सिटीजन नहीं है फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स आप ले सकते हो, आपका स्पाउस, चिल्ड्रेन, ये सबको ले सकते हो। तो उसमें जो आप मेडिकल इंश्योरेंस करोगे, तो अंडर सेक्शन 80D जो है वो मेडिक्लेम के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप इन्वेस्ट किया है, तो उसमें मैक्सिमम ₹25,000 डिडक्शंस होगा अंडर सेक्शन 80D में। मगर यहां पर याद रखना है, जो फैमिली मेंबर्स में पेरेंट्स को नहीं लेना है। यहां पर फैमिली मेंबर मींस सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, एंड मेंशन किया लेस देन 60 इयर्स। आपको ये मेडिकल इंश्योरेंस किया है, तो मैक्सिमम 25,000 को डिडक्शन किया जाएगा अंडर सेक्शन 80D में। आंसर इज बी डी। चलो नेक्स्ट, अनदर ऑप्शन है, अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेड ड्यू टू मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स, अनदर वन पेरेंट्स, दोनों के लिए। सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स लेस देन 60 इयर्स, पेरेंट्स बिलो 60 इयर्स। तो इसमें दोनों के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस किया है, सेल्फ एंड फैमिली, सेल्फ एंड फैमिली में बताया स्पाउस एंड चिल्ड्रन, एंड पेरेंट्स के लिए दोनों का जो ऑप्शन है बिलो 60 इयर्स है, तो 25,000 सेल्फ एंड फैमिली मैक्सिमम 25,000, और पेरेंट्स बिलो 60 ईयर्स आपको याद रखना है वो भी 25,000। तो यहां पर दोनों के लिए आप किया है, तो आपको ₹50,000 अंडर सेक्शन 80D में डिडक्शंस मिलेगा, यदि आप मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ एंड फैमिली के लिए किया है और पेरेंट्स के लिए किया है जो लेस देन 60 ईयर्स है। तो यहां पर जो डिडक्शन होगा अंडर ₹50,000 मैक्सिमम होगा, और ये सब ओल्ड टैक्स रिजाइम में। न्यू टैक्स रिजाइम में अंडर सेक्शन 80D में कोई डिडक्शंस नहीं है। अभी मैं वीडियो डाला था इनकम टैक्स के ऊपर, आप देख लीजिए करंट ईयर के ऊपर। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम जहां पर मैं मेंशन किया, वहां पर आपको
याद रखना है कि न्यू टैक्स रिजर्व में उसमें कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36, अगेन ओल्ड टैक्स रिजर्व, न्यू टैक्स रिजर्व में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इसमें, अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेड ड्यू टू मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स लेस देन 60 ईयर्स। तो अभी बताया सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स लेस देन 60 ईयर्स, तो मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर मैक्सिमम 25,000 डिडक्शन मिलेगा, और पेरेंट्स जो है सीनियर सिटीजन, आप पेरेंट्स के लिए अलग किया है मेडिकल इंश्योरेंस, तो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 है, तो पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनके नाम पे आप मेडिकल इंश्योरेंस किया है तो 50,000 वहाँ पर डिडक्शन होगा, और सेल्फ के लिए, सेल्फ एंड फैमिली के लिए मैक्सिमम 25,000 होगा। तो आप दोनों के लिए किया है तो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो ₹75,000 होगा, सेल्फ एंड फैमिली 25,000 एंड पेरेंट्स बेसिकली सीनियर सिटीजन इट इज़ 50,000, तो दोनों मिलाकर 75,000 के ऊपर आपको मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, और ये न्यू टैक्स रिजर्व में ओके ये फायदा नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37, अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेड रिलेटेड टू हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स। कोई हेल्थ चेकअप आप कर रहे हो तो हेल्थ चेकअप के ऊपर मैक्सिमम ₹5,000 डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80D में, ओके इट इज आंसर इज बिट बी। मगर आप दोनों किया है, मेडिकल इंश्योरेंस किया है सेल्फ एंड फैमिली के लिए और हेल्थ चेकअप किया है, तो दोनों मिलाकर जो मेडिकल इंश्योरेंस एंड हेल्थ चेकअप, ये दोनों मिलाकर एक्चुअली आपको मैक्सिमम डिडक्शन ₹25,000 मिलेगा। अब मेडिकल इंश्योरेंस किया है, मेडिकल इंश्योरेंस में आपको 25,000 मैक्सिमम डिडक्शन होता है, और यहाँ पर आप हेल्थ चेकअप किया है उसके ऊपर मैक्सिमम 5,000 मिलता है, मगर दोनों आप किया है, जैसे हेल्थ चेकअप किया है और मेडिकल इंश्योरेंस किया है, तो दोनों मिलाकर आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो ₹25,000 मिलेगा, याद रखना है अलग अलग नहीं होगा, तो वो जो हेल्थ चेकअप है उसी में ही आएगा। मगर सेपरेटली मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेड रिलेटेड टू हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स, इट इज ₹5,000, ये ओल्ड टैक्स रिजर्व, न्यू टैक्स रिजर्व में कोई बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, एन एम्प्लॉई इन्वेस्ट ₹23,000 ऑन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर एनम फॉर सेल्फ एंड फैमिली एंड स्पेंड ₹6,000 ऑन हेल्थ चेकअप। दोनों दिया है, मेडिकल इंश्योरेंस जो किया है वो इन्वेस्ट किया है ₹23,000 पर एनम फॉर सेल्फ एंड फैमिली के लिए, और स्पेंड ₹6,000 ऑन हेल्थ चेकअप, तो हाउ मच अमाउंट डिडक्शन ही विल गेट अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स। तो जो भी है मैक्सिमम ₹25,000 डिडक्शंस मिलेगा। तो हमारा जो था अंडर सेक्शन 8 में मैं बोल चुका हूँ कि सेल्फ एंड फैमिली के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस किया है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना है 25,000 है, और यहाँ पर आप हेल्थ चेकअप किया है तो दोनों हेल्थ चेकअप है और मेडिकल इंश्योरेंस किया है तो दोनों मिलाकर आपको मैक्सिमम डिडक्शन वही ₹25,000 मिलेगा। यहाँ पर एक कैलकुलेशन देखिए आपका एक्सप्लेनेशन, तो मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स बिलो 60 इयर्स इंक्लूडिंग हेल्थ चेकअप इज ₹25,000 इंक्लूडिंग हेल्थ चेकअप। इन क्वेश्चन मेडिकल इंश्योरेंस आप ₹23,000 है, हेल्थ चेकअप के लिए ₹6,000 आप इन्वेस्ट किया है, बट मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन इज ₹25,000, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 39, अंडर सेक्शन 80D डैश मैक्सिमम अमाउंट इज डिडक्टेड व्हेन मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीनियर सिटीजन फॉर देयर ट्रीटमेंट बट द कंडीशन इज नो मेडिकल इंश्योरेंस ऑन देयर नेम। यदि आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनके ऊपर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है और उनके नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो दो ऑप्शन ओनली आपको यहाँ पर सीनियर सिटीजन लेना है मोर देन 60 ईयर्स, आपका पेरेंट्स, आपका फादर मदर, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन है, उनके ऊपर कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, मगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो वहाँ पर जो डिडक्शंस मिलेगा वो मैक्सिमम 50,000 मिलेगा, मगर यहाँ पर ऑप्शन है ओनली सीनियर सिटीजन पेरेंट्स होना चाहिए और उनके नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, ओके मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, आपका पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन होंगे और आप जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, तो उसमें आपको ₹50,000 डिडक्शंस मिलेगा। मगर बिलो 60 ईयर्स आपका पेरेंट्स है और उनके नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है मगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर किया तो वहाँ पर कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपका पेरेंट्स मोर देन 60 ईयर्स होना चाहिए और उनके नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और आप उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम ₹50,000 डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80D में और ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी जो लोअर टैक्स रिजाइम आया है 115 BSC सेक्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 40,
अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंटायर एनपीएस गवर्नमेंट शेयर इज डिडक्टेड, जो गवर्नमेंट शेयर है, जो मैनेजमेंट शेयर है, वो अंडर सेक्शन 80 CCD 2 में आता है, क्योंकि 80 CCD 1 जो है वो एम्प्लॉय का एनपीएस शेयर है और वो 80 CCE में आ गया, तो मैं बता चुका हूँ 80 CCE, तो उसमें 80C, 80CCC, 80 CCD 1 तीनों मिलाकर 1.5 लाख एग्जेम्पशन होता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का शेयर है एनपीएस शेयर, तो वो फुली डिडक्शंस होगा, वो अंडर सेक्शन 80 CCD 2 में होगा। आंसर इज बिट बी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर सेक्शन 80 CCD 1 B ऑफ इनकम टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल डिडक्शन ऑफ डैश इज अलाउड फॉर अमाउंट डिपोजिटेड टू एनपीएस अकाउंट ओवर एंड अबव 1.5 लाख अंडर 80 CCE ओल्ड टैक्स रिजाइम। अगेन न्यू टैक्स रिजाइम में कोई बेनिफिट इसमें नहीं है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग है, जो न्यू टैक्स रिजाइम में जो एनपीएस गवर्नमेंट शेयर है, जो एनपीएस गवर्नमेंट शेयर है न्यू टैक्स रिजाइम में, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया, तो न्यू टैक्स रिजाइम में भी ये डिडक्शन मिलेगा हमको फायदा, तो ओल्ड में मिलेगा न्यू में मिलेगा। और जहां पर मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम मेंशन किया वहां पर आपको याद रखना है ओनली ओल्ड टैक्स रिजाइम में वो बेनिफिट मिलेगा, न्यू टैक्स रिजाइम में वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो अंडर सेक्शन 80 CCD 1 B ऑफ इनकम टैक्स एडिशनल डिडक्शन ऑफ डैश इज अलाउड फॉर अमाउंट डिपोजिटेड टू एनपीएस अकाउंट ओवर एंड अबव 1.5 लाख अंडर 80 CCE ओल्ड टैक्स रिजाइम, इट इज ₹50,000। यदि आप खुद एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आप इंडिविजुअली कर रहे हो, तो 1.5 लाख तो वहाँ पर हो गया 80 CCE में डिडक्शन हुआ, जो 80C, 80CCC, 80 CCD 1, और यहाँ पर एनपीएस में इस सेक्शन में 80 CCD 1 B में आप जैसे इस सेक्शन में आप इंडिविजुअली आप इन्वेस्ट कर रहे हो एनपीएस में, तो आपको यहाँ पर ओके एक्स्ट्रा 50,000 मिलेगा, इट इज ओवर एंड अबव 1.5 लाख होगा, तो दोनों मिलाकर 2 लाख हो जाएगा एग्जम्पशन। ये ओनली ओल्ड टैक्स रिजाइम में बेनिफिट है, न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स मैक्सिमम डैश एंड डैश अमाउंट डिडक्टेड फॉर माइनर एंड मेजर डिसेबिलिटी व्हेन द टैक्स पेयर हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट स्पाउस चिल्ड्रेन पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओल्ड टैक्स रिजाइम, ये न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट नहीं है, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। अंडर सेक्शन 80DD, इसमें आपका कोई ऐसा डिपेंडेंट है, टैक्स पेयर का कोई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट जैसे स्पाउस चिल्ड्रेन पेरेंट्स की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो डिपेंडेंट है, वो डिसेबल है, और उसके ऊपर आप कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उनका, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे रिहैबिलिटेशन हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे नर्सिंग हो, उसके ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम डैश एंड डैश अमाउंट डिडक्टेड फॉर माइनर एंड मेजर डिसेबिलिटी, यहाँ पर ओनली डिपेंडेंट के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है, खुद टैक्स पेयर के ऊपर नहीं है, आप टैक्स पेयर का डिपेंडेंट जो है, टैक्स पेयर के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, यहाँ पर जो ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑफ द टैक्स पेयर और वो डिसेबल है, खुद टैक्स पेयर नहीं है, क्लियर। अंडर सेक्शन 80DD बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें जो टैक्स पेयर का डिपेंडेंट है वो डिसेबल है, जो माइनर डिसेबल हम किसको बोलते हैं, 40% मिनिमम 40% एंड मोर बट लेस देन 80%, जो डिसेबिलिटी है वो मिनिमम 40% है एंड लेस देन 80% है, और जो मेजर डिसेबिलिटी है वो 80% एंड मोर है, आपको याद रखना है, माइनर डिसेबिलिटी मिनिमम 40% एंड मोर बट लेस देन 80%, और जो मेजर डिसेबिलिटी है इट इज 80% एंड मोर। तो माइनर डिसेबिलिटी के लिए ₹75,000 डिडक्शन मिलता है और मेजर डिसेबिलिटी के लिए ₹1,25,000 मिलता है, तो आंसर इज बी डी। और यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये जो है ओनली डिपेंडेंट के लिए है, और आपका डिपेंडेंट क्या है, डिसेबल है, आप वहाँ पर फिर चेक करेंगे कि माइनर की मेजर, और फिर देखेंगे जो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उनका ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, क्लियर। तो माइनर के लिए 75,000 डिडक्शन होगा, मेजर के लिए 1,25,000 होगा, पर यहाँ पर क्लियर एक मेंशन किया है, इट इज फिक्स वन इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंस को यहाँ पर देखा नहीं जाएगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है इट इज फिक्स वन, इट ये फिक्स है इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, बट सबमिट सर्टिफिकेट इन फॉर्म 10IA, एक 10IA फॉर्म का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, बट सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी, ओके। यहाँ पर हम एक्चुअल एक्सपेंस को नहीं देखेंगे, ये फिक्स है,
आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो आपका डिपेंडेंट के लिए वो डिसेबल है, तो उसमें आपको माइनर डिसेबिलिटी के लिए 75,000 डिडक्शन होगा और मेजर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000 होगा, राइट। और ये डिपेंडेंट के लिए होगा, और ये जो बेनिफिट है ये न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, अंडर सेक्शन 80DDB, अंडर सेक्शन 80DDB क्या है, उसमें टैक्स पेयर हिमसेल्फ और डिपेंडेंट, टैक्स पेयर हिमसेल्फ और डिपेंडेंट जैसे स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो कोई ऐसा प्रोलॉन्ग डिजीज में सफर है, कोई ड्रेडफुल डिजीज में सफर है जैसे एड्स, चाहे कैंसर, चाहे प्रोलॉन्ग किडनी प्रॉब्लम जैसे रेनल फेल्योर, ये सब जो क्रिटिकल डिजीज में सफर है, चाहे टैक्स पेयर हिमसेल्फ एंड डिपेंडेंट ऑफ द टैक्स पेयर, तो इस सेक्शन में अंडर सेक्शन 80DD में यहां पर एग्जेम्पशन मिलता है। तो यहां पर कितना मिलेगा, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, तो आंसर बीट सी, 40,000 मिलेगा, मगर आपका पेरेंट्स यदि सीनियर सिटीजन है उनके लिए ₹1,00,000 होगा। मगर ऑप्शन है, जो अंडर सेक्शन 80DD में बेसिकली पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस एंड एलिमेंट्स, कैंसर, एड्स, रेनल फेल्योर, ऐसे क्रिटिकल डिजीज, चाहे टैक्स पेयर खुद सफर है कि उसका कोई डिपेंडेंट सफर है, और उसमें जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, तो बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए 1,00,000 तक डिडक्शन होगा, ओके, और बिलो 60 ईयर्स के लिए ₹40,000 डिडक्शन होगा, क्लियरली मेंशन है। स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज 40,000 एंड ₹1,00,000 फॉर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में इस सेक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये अंडर सेक्शन 80DDB बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन डैश ऑफ इनकम टैक्स, डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशनल लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, ये भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में, जो एजुकेशनल लोन लिया है फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज, तो उसमें पूरा इंटरेस्ट के ऊपर, जो एजुकेशनल लोन लिया है पूरा इंटरेस्ट जो है उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, पूरा डिडक्शन मिलेगा, ओके, पूरा इंटरेस्ट के ऊपर, वो अंडर सेक्शन 80E आपको याद रखना है, अंडर सेक्शन 80E जो सेक्शन है उसमें एजुकेशनल लोन लिया है फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज, तो उस केस में अंडर सेक्शन 80E में जितना इंटरेस्ट दे रहे हो वो पूरा फुली डिडक्शंस होगा अंडर सेक्शन 80E में, आंसर इज बीट ए, मगर ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में, इसमें न्यू टैक्स रिजाइम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्शंस होगा। और अभी और एक सेक्शन है इंसर्ट किया गया है अंडर सेक्शन 80EEB ऑफ इनकम टैक्स, मैक्सिमम डिडक्शन इज डैश ऑन लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आप लोन लिया है और लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसमें मैक्सिमम आपको 1.5 लाख इंटरेस्ट के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा बा डिडक्शंस मिलेगा, आंसर इज बिट बी, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में ये बेनिफिट नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 80EEB आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद रहे हो लोन लेकर और जो लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसके ऊपर मैक्सिमम 1.5 लाख डिडक्शंस होगा अंडर सेक्शन 80EEB में, राइट, तो आंसर इज बिट बी, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 46 को चलेंगे, 80G ये डोनेशंस के ऊपर आ गया, और 80G में ओल्ड टैक्स रिजाइम में बेनिफिट मिलेगा, कोई न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स, डोनेशंस एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन, आप जो डोनेट किया है वो 100% डिडक्शन होगा विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव, उसके ऊपर 100% जो आप डोनेट किया है वो 100% डिडक्शन होगा। और मेरा वीडियो देख लीजिए इनकम टैक्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर, ओके, मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो आपको पूरा उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ पर 100% डिडक्शन है और कहाँ पर 50% डिडक्शन है। ये जो है आंसर बी डी, ऑल ऑफ द अबव। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स, डोनेशंस एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन, यहाँ पर 100% डिडक्शन नहीं होगा डोनेशंस के ऊपर, 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम, यहाँ पर जो है जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड
प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ऑल ऑफ द अबव, ये सब में 50% डिडक्शन मिलेगा। इसमें आप डोनेट कर रहे हो तो आपको 50% डिडक्शन मिलेगा, 100% नहीं। और ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में अंडर सेक्शन 80G में डोनेशंस में कोई फायदा नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। यहां पर एक मजा बात अभी, अच्छा नेक्स्ट में देखेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन डैश इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर फॉर एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। जो अंडर सेक्शन 80GGC है, आंसर इज बिट बी, ओल्ड टैक्स रिजाइम ओनली, ये न्यू टैक्स रिजाइम में फायदा नहीं मिलेगा। जो अंडर सेक्शन 80GGC है, आप कोई मनी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कोई पॉलिटिकल पार्टी को और कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट को, और वहाँ पर अंडर सेक्शन 80GGC में आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, आंसर इज बिट बी। और ये जो आप डोनेट करोगे पे अदर देन कैश, कैश में आप नहीं कर सकते, आप चाहे डिजिटल पेमेंट करो चाहे चेक में दो, राइट, इसमें कर सकते हो, मगर कैश में नहीं करोगे, डोनेट नहीं करोगे। यहाँ पर दिया है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डोनेशंस फॉर 80G ऑफ इनकम टैक्स। जो मोड ऑफ पेमेंट कैसा है, आप 80G में डोनेट कर रहे हो, अभी हम प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में डोनेट किए थे, जो 80G में आप डोनेट कर रहे हो तो किस में आप डोनेट करोगे, तो वो चेक, डिजिटल पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव, चेक में, डिजिटल पेमेंट में, डिमांड ड्राफ्ट में। कैश में दोगे तो ओनली अप टू ₹2000, 80 अंडर सेक्शन 80G में आप डोनेट करना चाहते हो तो कैश में अप टू ₹2000 आप कैश में दे सकते हो, मोर देन 2000 आप कैश में नहीं दे सकते, जिसमें चेक में दे सकते हो, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और डिमांड ड्राफ्ट में दे सकते हो। आंसर इज बिट डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे में आंसर लिख दिया, ऑल ऑफ द अबव, अप टू ₹2000 आप कैश में दे सकते हो, आप जो डोनेट कर रहे हो कैश में दे सकते हो, और मोर देन 2000 होगा तो आपको अदर देन कैश में आपको पेमेंट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, अंडर सेक्शन TTA ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में बेनिफिट है, न्यू टैक्स रिजाइम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अंडर सेक्शन 80 TTA में क्या बोलता है, यदि आपका जो सेविंग अकाउंट्स है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, पूरा इंटरेस्ट को आप एग्रीगेट कर दो, उसको अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में ऐड करो, जितना इंटरेस्ट आप सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलता है तो पूरा इंटरेस्ट को आप एग्रीगेट करके आप अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में ऐड करो। यदि अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में आप इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट जो ऐड करोगे, जो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तब आपको अंडर सेक्शन जो 80 TTA, यहाँ पर 80 मिसिंग है, अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स। ओके सॉरी माई फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडर सेक्शन 80 TTA, तो उसमें आपको यदि आप पूरा सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट को आप अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको अंडर सेक्शन 80 TTA में आपको ₹10,000, ओके, यहाँ पर उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। आंसर इज बिट ए, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 51, अंडर सेक्शन TTB, वो TTA हो गया, अंडर सेक्शन TTB ये सीनियर सिटीजन के लिए है भाई, सीनियर सिटीजन के लिए आप सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में आप उसको ऐड कर दिया और आप सीनियर सिटीजन है तो आपको अंडर सेक्शन 80 TTB में इसमें जो एग्जेम्पशन होगा वो ₹50,000 होगा। ओके, लेस देन 60 ईयर्स मैक्सिमम एग्जेम्पशन होगा 10,000 इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। मगर यहाँ पर याद रखना है, जो टोटल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलता है फर्स्ट उसको ऐड करना है अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में, तो अब आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा। तो लेस देन 60 ईयर्स मैक्सिमम एग्जेम्पशन होता है ₹10,000 और सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम ₹50,000 एग्जेम्पशन होगा। तो ये सेक्शन अंडर सेक्शन TTB और लेस देन 60 ईयर्स इट इज अंडर सेक्शन 80 TTA। 52, अंडर सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश एंड डैश अमाउंट डिडक्टेड फॉर माइनर एंड मेजर डिसेबिलिटी इफ टैक्स पेयर हिमसेल्फ इज सफरिंग। हम अभी देखे थे कि अंडर सेक्शन 80DD, अंडर सेक्शन 80DD में यदि टैक्स पेयर का कोई डिपेंडेंट डिसेबल है वहां पर बेनिफिट मिलता है माइनर और मेजर में, मगर यहां पर खुद टैक्स पेयर खुद डिसेबल है, खुद टैक्स पेयर डिसेबल है, इसमें माइनर मेजर डिसेबिलिटी के लिए वही अमाउंट होगा। माइनर के लिए ₹75,000 डिडक्शन होगा और मेजर के लिए 125,000 होगा। और एक बार बोलता हूँ, माइनर जो है
जो मिनिमम डिसेबिलिटी होगा 40% होगा, मिनिमम डिसेबिलिटी 40% एंड मोर देन दैट बट लेस देन 80% ये माइनर, मेजर डिसेबिलिटी जो होगा वो 80% एंड मोर। ओके, तो यहाँ पर खुद टैक्सपेयर हिमसेल्फ जो अंडर सेक्शन 80 डीडी में वो टैक्सपेयर का डिपेंडेंट था, यहाँ पर टैक्सपेयर हिमसेल्फ, तो इस केस में वही लिमिट रहेगा, ₹75,000 डिडक्शन होगा माइनर डिसेबिलिटी के लिए। यदि टैक्सपेयर माइनर डिसेबल है और मेजर डिसेबल है तो ₹1,25,000 वही लिमिट है। आंसर इज बी डी, मगर ये फिक्स है। ओके, इट इज फिक्स वन इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल एक्सपेंसेस यहाँ पर हम ये नहीं लेंगे, हमारा तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, डिसेबल है तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये फिक्स है। माइनर डिसेबिलिटी के लिए 75,000 डिडक्शन होगा, मेजर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000 डिडक्शन होगा। मगर यहाँ पर एक सर्टिफिकेट वही सबमिट करना है और सर्टिफिकेट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी, और जो सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे वो फॉर्म 10IA में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मगर ये न्यू टैक्स रिजाइव में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। डैश इज द न्यूली इंसर्टेड सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 दैट डील्स विद द न्यू इनकम टैक्स रिजाइम। अभी जो न्यू इनकम टैक्स रिजाइम उसको बोलते हैं लोअर टैक्स रिजाइम, उसमें कौन सा सेक्शन को इंसर्ट किया गया है न्यू टैक्स रिजाइम में, तो वो है अंडर सेक्शन 115BSC, आंसर इज बी ए, बहुत इंपॉर्टेंट वन। आपको ऑप्शन मिलता है आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में पेमेंट करोगे ना न्यू टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स में जो इट मीन्स जो स्लैब है वो लेस रेट है, क्योंकि आप देखिए जो ओल्ड में फर्स्ट 2.5 लाख जो टैक्सेबल इनकम आप ले जाओ नेट इनकम को, फर्स्ट 2.5 लाख नहीं है एग्जेम्पशन है, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% है, जब टैक्सेबल इनकम मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख होगा 20% है, और मोर देन 10 लाख 30% है। मगर न्यू में भाई टैक्सेबल इनकम फर्स्ट 2.5 लाख एग्जेम्पशन है, नेक्स्ट 2.5 to 5 लाख 5% है, 5 लाख टू 7.5 लाख 10% है, 7.5 लाख टू 10 लाख 15% है, ऐसे 5% बढ़ जाएगा 2.5 लाख ऐसे ऐड करके, तो लोअर टैक्स रिजाइम इसको बोलते हैं। मगर यहाँ पर जो डिडक्शन एग्जेम्पशन से बहुत कम है, जो अंडर सेक्शन 80 में ओनली 80CCD2 में है, जो NPS गवर्नमेंट शेयर का होता है ओनली वही डिडक्ट होगा, अदर कोई डिडक्शंस नहीं है, ठीक है। सेक्शन 115BSC, चलो। न्यू टैक्स रिजाइम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट, यूनियन बजट 2020, ये जो न्यू टैक्स रिजाइम को इंट्रोड्यूस किया गया यूनियन बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया, आंसर इज बी डी। क्वेश्चन नंबर 55, इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम ऑफ इनकम टैक्स एक्सेप्ट सेक्शन डैश देर इज नो टैक्स डिडक्शन इन एनी अदर सेक्शन ऑफ चैप्टर 6A डिडक्शन, मैं अभी बताया था अंडर सेक्शन चैप्टर 6A मीन्स अंडर सेक्शन 80, अंडर सेक्शन 80 में आपको ओनली जो NPS गवर्नमेंट शेयर होता है 80CCD2 उसी में ओनली एंटायर अमाउंट डिडक्शन मिलता है, अदर कोई भी सेक्शन अंडर सेक्शन 80 में जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में डिडक्शन बेनिफिट मिलता है यहाँ पर नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में, तो एक्सेप्ट सेक्शन 80CCD2। ओके, देर इज नो टैक्स डिडक्शन इन एनी अदर सेक्शन ऑफ चैप्टर 6A डिडक्शन, जो 80CCD2 है वो NPS गवर्नमेंट शेयर होता है, ठीक है, वही ओनली डिडक्ट होगा और कोई अंडर सेक्शन 80 में डिडक्शन नहीं होगा न्यू टैक्स रिजाइम में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56, इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम देर इज नो डिडक्शन ऑफ टैक्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑन द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इसके ऊपर डिडक्शंस नहीं है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन डिडक्शंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट अंडर 80C, 80CCC एंड NPS शेयर ऑफ द एम्प्लॉय 80CCD1 इसमें भी डिडक्शंस नहीं है, डिडक्शंस इन केस ऑफ डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80DD एंड अंडर सेक्शन 80U। ओके, आंसर इज ऑल ऑफ द अबो, ये ऑल ऑफ द अबो, किसी में भी डिडक्शंस नहीं है। मैं अभी बताया था जो अंडर सेक्शन 80 डिडक्शंस है न्यू टैक्स रिजाइम में ओनली 80CCD2 जो NPS गवर्नमेंट शेयर है उसमें ओनली डिडक्शन मिलेगा, अदर कोई भी सेक्शन में डिडक्शंस नहीं मिलेगा जो डिडक्शन हमको ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57, इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम देर इज नो एग्जेम्पशन इन केस ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस चिल्ड्रेन एजुकेशनल अलाउंस ऑल ऑफ द अबव, ये सो अंडर सेक्शन 10 में है, इसमें हमको एग्जेम्पशन मिल रहा था ओल्ड टैक्स रिजाइम में, मगर न्यू टैक्स रिजाइम में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे LTA लीव ट्रैवल अलाउंस, आप LTC ले रहे हो तो उसमें जो आप मनी स्पेंड कर रहे हो और जो ऑफिस जितना मनी आपको रिलीज कर रहा है, ओके, लीव ट्रैवल कंसेशन बा लीव ट्रैवल अलाउंस में जो अंडर सेक्शन 10(5) में वो एग्जेम्पशन होता है, पर न्यू टैक्स रिजाइम में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस का एक पार्ट एग्जेम्पशन होता था ओल्ड टैक्स रिजाइम में अंडर सेक्शन 10(13A) में,
और यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। चिल्ड्रेन एजुकेशनल अलाउंस, उसमें बोला था 10 अंडर सेक्शन 1014 में पर चाइल्ड 100 रुपीज़ मंथली एग्जेम्पशन मिलता था, और पर चाइल्ड के लिए ईयरली 1200 रुपीज़ मिलता था एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1014 में। यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे हॉस्टल सब्सिडी के ऊपर पर चाइल्ड पर मंथ 300 रुपीज़, और एक चाइल्ड के लिए ईयरली आपको 3600 रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिलता था चाइल्ड सब्सिडी में, ठीक है, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए मिलता था। ये भी एग्जेम्पशन इसमें नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव, किसी में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 58, इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम क्लेम फॉर टैक्स एग्जेम्पशन, ओके, टैक्स एग्जेम्पशन का हम क्लेम करेंगे इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इन केस ऑफ ए स्पेशली एबल्ड पर्सन, कन्वेयंस अलाउंस रिसीव्ड टू मीट द कन्वेयंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी में न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, आपको याद रखना है, तीनों में टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। और ये अंडर सेक्शन 1014 में है, ये सब अंडर सेक्शन 1014 में है, ओके। ये तीनों में आपका जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो ले रहा है स्पेशली हैंडीकैप्ड पर्सन, कन्वेयंस अलाउंस, सपोज टूर्स ट्रैवल में जो कंपेंसेशन आपको मिल रहा है, जैसे वो ऐड होगा ग्रॉस सैलरी में और यहाँ पर माइनस होता है अंडर सेक्शन 1014 में। तो ये जो है एनी कंपेंसेशन रिसीव टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर अंडर सेक्शन 1014 आई में है। जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इन केस ऑफ ए स्पेशल एबल्ड पर्सन वो अंडर सेक्शन 1014 डबल आई में है, ये सब अंडर सेक्शन 1014 में आएगा। और न्यू टैक्स रिजाइम में इसमें तीनों में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, ओके, ऑल ऑफ द अबव आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 59, द सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन डैश, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, बेसिकली जुलाई 1, 1994 में सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय हमारा मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। तो जुलाई 1, 1994 में सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आंसर इज बीटे। चलो, द सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो टैक्स रिफॉर्म कमिटी था, तो किसका टैक्स रिफॉर्म जो कमिटी, किसका कमिटी इंट्रोड्यूस किया था सर्विस टैक्स उसका रिकमेंडेशन में, इट इज, आंसर इज बीटे, डॉक्टर राजा चेलिया कमेटी। डॉक्टर राजा चेलिया कमेटी वो टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर था, और उनका रिकमेंडेशन में, वो कमेटी का रिकमेंडेशन से सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और बेसिकली जुलाई 1, 1994। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 को चलेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ओल्ड टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट नहीं है। तो मेरा वीडियो देख लीजिए अंडर सेक्शन 24A, क्योंकि अंडर सेक्शन 24B जो है वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ यूज प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख इंटरेस्ट, ओके, डिडक्शन है। और अंडर सेक्शन 24A में ये जो नेट एनुअल वैल्यू क्या है, आप को कितना, आप सपोज आप लेट आउट प्रॉपर्टी, आपका घर को आप रेंट में दे दिया, आपको कितना ग्रॉस रेंट मिल रहा है, ईयरली कितना रेंट मिल रहा है, वो ग्रॉस रेंट है, उससे आप जो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो माइनस कर दो। ग्रॉस रेंट से प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करने के बाद वो जो मिलता है वो नेट एनुअल वैल्यू है, ओके। वही नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो 30% है। आंसर इज बीट सी, याद आया, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए है। आपका प्रॉपर्टी को आप रेंट में दे दिया, ग्रॉस रेंट आप कैलकुलेट कर लो, उसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स आप दे रहे हो, जैसे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप दे रहे हो, उसको माइनस कर दो प्रॉपर्टी टैक्स को ग्रॉस रेंट से, और वो जो मिलेगा वो नेट एनुअल वैल्यू होगा, और उसके ऊपर एक डिडक्शन होता है वो 30% डिडक्शन होता है, और वहाँ पर 30% डिडक्शन वो अंडर सेक्शन 24A में आता है। और एक डिडक्शन होगा यदि आप लेट आउट प्रॉपर्टी केस में आप होम लोन लिया है और आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो जितना इंटरेस्ट दे रहे हो वो एग्जेम्पशन होगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस आ रहा है ना गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है तो वो एडजस्ट होगा, लॉस आ रहा है तो ITR 1 में आप फिलअप कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 लाख वहां पर एग्जेम्पशन मिलेगा। चलो, आंसर इज बीट सी, 30%। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स व्हेन टैक्सेबल इनकम इज ₹50 लाख टू ₹1 करोड़। जो सरचार्ज होता है, जब ही आपका टैक्सेबल इनकम बा नेट इनकम सब डिडक्शंस के बाद आपका नेट इनकम
जो टैक्सेबल इनकम है ₹50 लाख टू ₹1 करोड़ होगा, उसमें आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होने के बाद, जितना इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा उसके ऊपर एक सरचार्ज लगेगा, वो 10% है। यहाँ पर ₹50 लाख टू ₹1 करोड़ ये 10% है यदि आपका टैक्सेबल इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ होगा। और सरचार्ज कब लगेगा, आप इस तरीके का इनकम ले जाओ तो वो ₹50 लाख टू 1 करोड़ हुआ, सपोज इसके अंदर आपका टैक्सेबल इनकम है सभी डिडक्शंस के बाद जो नेट इनकम है उसके ऊपर आप इनकम टैक्स कितना पे करोगे कैलकुलेट कर लो, और जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है, ठीक है, ये 10% है। यहाँ पर दे दिया एक्सप्लेनेशन में, देख लीजिए रेंज को, रेंज ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम 50 लाख टू ₹1 करोड़ 10%, यदि आपका टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ टू ₹2 करोड़ इसके अंदर आता है और आप निकाल दो कितना टैक्स पे करोगे, और जितना टैक्स आप पे करोगे ना, जितना टैक्स आ जाएगा उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, तो वो 15% है। ₹2 करोड़ टू ₹5 करोड़ ओके 25% है। ₹5 करोड़ टू ₹10 करोड़ 37% है। एक्सीडिंग ₹10 करोड़ 37% है। ये सब एक्स्ट्रा है, और वो ये जो सरचार्ज लगता है किसके ऊपर, बेसिकली टैक्स के ऊपर लगता है जब आपका टैक्सेबल इनकम इसी रेंज में होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द मैक्सिमम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और डीप एंड डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विथ डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। यदि जो डिसेबल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है और उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है बेसिकली फ्रॉम रेसिडेंस टू ऑफिस एंड ऑफिस टू रेसिडेंस, जो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है एक्चुअली ये ओनली हैंडीकैप्ड के लिए, ठीक है, ये जो मिलता है अंडर सेक्शन 1014II अंडर सेक्शन 1014II में, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया, इट मीन्स ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम दोनों में ये बेनिफिट मिलेगा, ओनली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो मंथली यहाँ पर 3200 एग्जेम्पशन है मंथली, तो मंथली 3200 रुपीज़ है एग्जेम्पशन, तो आप ईयरली निकाल दो इंटू 12 मल्टीप्लाई करके, तो वो मैक्सिमम एग्जेम्पशन ईयरली होगा ₹38,400। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो मंथली होगा ₹3200 के ऊपर एग्जेम्पशन होगा, पहले आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है वो ऐड कर दो ग्रॉस सैलरी में, और यहाँ पर जो 10 अंडर सेक्शन 1014II है वहाँ पर जो एग्जेम्पशन होगा वो मंथली मैक्सिमम ₹3200 होगा, तो बेसिकली ईयरली कितना होगा ना ₹38,400 एग्जेम्पशन होगा अंडर सेक्शन 1014II। इन न्यू टैक्स रिजाइम देयर इज नो डिडक्शंस, मैं अभी बताया था अंडर सेक्शन 16 में, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में अंडर सेक्शन 16 में 3 डिडक्शंस होता है, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 अभी मिल रहा है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, नेक्स्ट आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस 16II और एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स 16III, तीनों सेक्शंस है अंडर 16 में। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिडक्शंस मिलता है, मगर न्यू टैक्स रिजाइम में कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, न्यू टैक्स रिजाइम दैर इज नो डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA अंडर सेक्शन 16IA इट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, अभी जो 50,000 ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमको मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16II एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 16III, इसमें कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 57II, इसको याद रखना है, अंडर सेक्शन 57II में जो फैमिली पेंशन है उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले से यही MCQ क्वेश्चन में, ये भी डिडक्शंस नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम में। डिडक्शंस इन केस ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, अभी अंडर सेक्शन 24A अभी डिस्कस किया था जो लेट आउट प्रॉपर्टी में, उसमें भी जो 30% डिडक्शंस नेट एनुअल वैल्यू में मिलता है वो भी यहाँ पर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ऑल ऑफ द अबव, इसी किसी में भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में, ओल्ड टैक्स रिजाइम में बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन 65, इन केस ऑफ ITR 1 फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस इंटरेस्ट, अदर सोर्सेस मीन्स जैसे फिक्स डिपॉजिट में आप इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में आएगा। एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000, डी ऑल ऑफ द अबव, आंसर ऑल ऑफ द अबव। आप ITR 1 में अभी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो ये ऑप्शन है, जे पहले वन द इंडिविजुअल मस्ट बी ए रेसिडेंट एंड टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, उसको सैलरीज
वो जो मिलता है वो इनकम फ्रॉम सैलरीज वन हाउस प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि दो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी बेसिकली टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो वो ITR 2 में होगा, मगर ITR 1 बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए हम फिलअप करते हैं, तो वन हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेस इंटरेस्ट, और जो एग्रीकल्चरल इनकम होगा अप टू ₹5,000 होगा, ये ऑल ऑफ द अबव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 66, अंडर सेक्शन डैश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बिफोर ड्यू डेट, जैसे अभी चल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न, बिफोर ड्यू डेट आप रिटर्न फाइल करना है, तो अंडर सेक्शन 139(1), अंडर सेक्शन 139(1) में आप जो रिटर्न फाइल करोगे वो बिफोर ड्यू डेट होगा। 67 क्वेश्चन नंबर, अंडर सेक्शन डैश रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न, सपोज आप इनकम टैक्स रिटर्न ओरिजिनली भरा है और उसको थोड़ा आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप अंडर सेक्शन 139(5) में आप जो ओरिजिनली जो आप रिटर्न फाइल किया है उसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो सब आ जाएगा, और किस डेट भी आ जाएगा, किस डेट में आप ओरिजिनल फाइल किया था, तो अंडर सेक्शन 139(5) में आप रिवाइज रिटर्न भरोगे, राइट, आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 68, अंडर सेक्शन डैश फाइल रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर जो अभी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2020-21, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मीन्स उसका असेसमेंट ईयर क्या है, 2021-22, ये March 31, 2022 तक चलेगा असेसमेंट ईयर, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, तो आप रिटर्न फाइल भरोगे ड्यू डेट के बाद बट बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तब अंडर सेक्शन 139(4), ओरिजिनल रिटर्न भरोगे बिफोर ड्यू डेट 139(1), रिवाइज रिटर्न भरोगे 139(5), आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करोगे बट बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो वो अंडर सेक्शन 139(4), ये जो आंसर है बिट सी है। और टू क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखिए, अंडर सेक्शन डैश इंटरेस्ट इज लेविड फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, आप इनकम फाइल जो रिटर्न का डेडलाइन होता है वो डेडलाइन के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको आपके ऊपर इंटरेस्ट ले इम्पोज किए करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये अंडर सेक्शन 234 है, आपको याद रखना है, आप ड्यू डेट के बाद ओके आप ITR फिलअप कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो ड्यू डेट के बाद, तो ये अंडर सेक्शन 234A में उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, राइट, तो इट इज 234A जो 1% इंटरेस्ट लगेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और चाहे होल मंथ हो पार्ट हो, होल मंथ हो पार्ट हो इंटरेस्ट लगेगा 1% इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन डैश इंटरेस्ट इज लेविड व्हेन द एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स, इसके ऊपर मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ, देख हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। अंडर सेक्शन डैश इंटरेस्ट इज लेविड व्हेन द एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स, ये जो है ये सेक्शन 234B में। अच्छा तो थोड़ा ये असेस्ड टैक्स क्या है, तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन कर दिया। सपोज आपको टोटल टैक्स देना है ₹1,00,000, TDS कलेक्टेड बाय ऑफिस, आपका जो ऑफिस जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपका ऑफिस जो कलेक्ट किया है वो ₹80,000 कलेक्ट किया है, मगर आपको टोटल टैक्स देना है 1,00,000, इससे ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में आपको कोई आपका फिक्स डिपॉजिट बैंक्स में था उसका इंटरेस्ट को ऐड कर दिया गया, बैंक क्या किया आपका फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को इनकम के आकर में शो कर दिया बैंक, और कुछ टैक्स भी डिडक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे आपको टोटल टैक्स देना है 1,00,000, मगर आपका ऑफिस डिडक्ट किया ₹80,000, तो तब असेस्ड टैक्स होगा टोटल टैक्स टू बी पेड माइनस TDS कलेक्टेड बाय ऑफिस, और ये जो असेस्ड टैक्स होगा वो मोर देन 10,000 होना चाहिए, लेस देन 10,000 होगा तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई टैक्स इम्पोज नहीं करेगा। तो असेस्ड टैक्स आपको टोटल टैक्स टू बी पेड माइनस TDS कलेक्टेड बाय ऑफिस विद इन March 31, ये यहां पर ₹20,000 हो गया जो मोर देन ₹10,000 हो गया। तो ये जो असेस टैक्स है उसका एडवांस टैक्स आप पे करोगे, यदि आपका उसका 90% आप पे कर रहे हो बिफोर March 31, तब आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे यहां पर असेस टैक्स ₹20,000 हो गया,
एडवांस टैक्स पेड विद इन मार्च 31 इट इज़ रुपीज़ 12,000। आप एडवांस टैक्स पे किया है रुपीज़ 12,000 किया है, मगर उसका 90% क्या है? असेस टैक्स का 90% कितना है? 90% ऑफ असेस टैक्स इज 18,000। असेस टैक्स जो है 20,000, उसके ऊपर 90% आप निकाल दो, 18,000 है। तो आपको उतना पे करना था इंटरेस्ट से बचने के लिए, मगर आप एडवांस टैक्स जो पे किया मार्च 31 के अंदर वो रुपीज़ 12,000 किया, तो अभी कितना बचा? 8,000 बचा, नहीं कि? तो ये 8,000 के ऊपर अप्रैल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1% टैक्स इम्पोज करेगा, चाहे वो पार्ट हो चाहे होल मंथ हो। जैसे आप सपोज जुलाई 5 में रिटर्न फाइल भर रहे हो, तो अप्रैल में जून और जुलाई 5 में जुलाई में मिलेगा, क्योंकि पार्ट है कि होल है, तो 4 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट वो लगाएगा अंडर सेक्शन 234B में। आप जब चेक करोगे वो क्लियरली अंडर सेक्शन 234B में वो इंटरेस्ट लगा देगा। तो इन दिस इन केस ऑफ पार्ट ऑफ मंथ ऑल्सो इंटरेस्ट इम्पोज ऑन फुल मंथ बेसिस। तो मेरा वीडियो देख लीजिए माई फ्रेंड्स, मेरा एक इनकम टैक्स वीडियो भी है, मेरा प्लेलिस्ट को जाइए और पूरा मैं डिटेल्स उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बहुत फायदेमंद होगा। और बेसिकली जो वीडियो है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है, ये जो बेनिफिट्स है, राइट? सो माय फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब मी सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय सब्सिक्वेंट वीडियोज़। थैंक यू।